नहीं तो आतंकवादी का श्री कहकर आदर और देश के दुश्मन का मिस्टर कहकर संबोधन। जी हां, देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 26/11 के मास्टरमाइंड और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले आतंकवादी हाफिज सईद को संसद में इज्जत बख्शी, वो भी तब जबकि पाकिस्तान उस पर कार्रवाई न करने के लिए अब भी सैकड़ों बहाने बना रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद, छब्बीस ग्यारह का मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद, लेकिन देश के गृह मंत्री ने नफरत फैलाने वाले को दी इज्जत। मिस्टर हाफिज सईद प्राइस 2009 फ्रॉम द पेपर, आतंकवादी को श्री कहकर किया संबोधित। सन ऑफ श्री हाफिज सईद इन द अपोर्सेड केसेस, देश के दुश्मन हाफिज सईद को कहा मिस्टर हाफिज सईद। मिस्टर मलिक राज्यसभा में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे उठे तो थे रहमान मलिक की भारत यात्रा पर सफाई देने, लेकिन अपनी सफाई में वो ऐसा बोल गए जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। शिंदे ने अपने बयान में 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को मिस्टर कहकर संबोधित किया। He had arrested Mr. Hafiz Saeed thrice and that on each occasion he was let off by the courts for lack of evidence. उसके नाम के आगे श्री लगाकर उसे इज्जत बख्शी। आप भी देखिए कैसे गृह मंत्री नफरत का पाठ पढ़ाने वाले आतंकवादी को आदर देते नजर आए। रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज बीन टेलिंग अस रिपीटेडली दैट ही हैड अरेस्टेड मिस्टर हाफिज सईद थ्राइस एंड दैट ऑन ईच ओकेजन। दरअसल गृह मंत्री शिंदे हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान की ओर से दी गई जानकारी संसद से साझा कर रहे थे। अपने बयान में शिंदे ने हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान की तरफ से दी गई जानकारियों को गलत करार दिया, लेकिन ऐसा करते वक्त शिंदे भूल गए कि वो संसद में एक आतंकवादी के बारे में बयान दे रहे थे। श्री हाफिज सईद, बीजेपी ने एक आतंकवादी को ऐसी इज्जत बख्शने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उधर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने हाफिज सईद के मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मिस्टर हाफिज सईद, बहरहाल अब जरूरत इस बात की है कि हाफिज सईद को उसके किए की सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव डाला जाए। इस समय दिल्ली से अजीत प्रताप सिंह के साथ आशुतोष भाटिया।